हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, कल्पना लोहमी के साथ कल्पना लोहमी व्लॉग्स में। सो गाइस, अभी आपको ध्यान होगा कि मैं जब पिथौरागढ़ गई थी तो वहां से मैं एक ठेगी लेकर आई थी, है ना। वो एक लकड़ी की बनती है, तो वो ठेगी में दही जमाते हैं, पहले से उसी ठेगी में दही जमाई जाती थी, है ना। तो मैंने जब सुना तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई सुन के। मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा ना मैंने कभी खाया ना कभी देखा। तो फिर मैं वो ठेगी खरीद के, किसी सलाड लकड़ी की बनती है शायद, वो ठेगी बोलते हैं उसको। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी उसमें कि कैसी वो होती है, फिर दही कैसे जमाते हैं, देन उसमें जमाने के बाद दही एक्चुअली में कैसे बन के निकलती है। एंड आई विल रिव्यू ऑल्सो कि वेदर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर दही दैट वी हैव बीन जमाइंग फॉर सो लॉन्ग नाउ। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि मैंने ठेगी के साथ अभी क्या कर रखा है। तो ये देखिए, ठेगी भी पानी में डूबी हुई है। तो जब आप एक नई ठेगी खरीदेंगे तो पहले उसको 24-48 घंटे के लिए पानी में ऐसे भिगा के रखेंगे, पूरा पानी में ऐसे डुबा देना है उसको, ठीक है। जितना इसने मॉइस्चर लेना होगा, जितना इसने होना होगा, ये हो जाएगा। तो मैंने इसको ना थोड़ी ज़्यादा दिन तक ही कर दिया है। वैसे ना इसमें 24-48 घंटे होते हैं, मैंने 48 से ज़्यादा कर दिया, ऑलमोस्ट 3 डेज। लेकिन चलिए, कोई क्रैक नहीं आया। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्रैक पड़ने का डर होगा। तो बेसिकली एक लकड़ी है, ठीक है। अब देखो कितनी सुंदर कारीगरी है ना लकड़ी की। तो ये इसको मैंने 48 घंटे के लिए ऐसे पानी में भिगा के रखा था। तो अब इसको पानी से निकालते हैं, इसको धोएंगे और इसमें जमाएंगे हम लोग दही। तो अभी मैंने अपनी कर्मठ मम्मी से रिक्वेस्ट करी है कि मम्मी आप प्लीज उस ठेगी में दही जमा दो मेरे लिए। कितनी प्यारी लग रही है आप शर्माते हुए। दही जमाने के लिए सज धज मम्मी को पता कि मैंने व्लॉग में आना है, तो पूरा सज धज रही है। कुछ नहीं सजते हो तो हमारे कर्मठ व्लॉग वालों को भी पता। अरे मैं पता आपसे क्यों पहली बार जमवा रही हूँ, मैं भी जमा सकती थी। मैं पहली बार आपसे इसलिए जमवा रही हूँ ना क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हो, आपके हाथ में स्वाद है। मैं जमाऊंगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं जमेगी, मुझे पता है। तो खुद लक्ष्मी तो है, तू भी तो लक्ष्मी है। मैं हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़ी लक्ष्मी हो ना। तो ये नहीं मम्मी ठेगी, आप उसको पहले धो। वैसे ना ये है 1 लीटर, लेकिन मम्मी 2 लीटर है, सॉरी गाइस, ये 2 लीटर है और बाहर से मैसिव लग रहा है, उतना मैसिव है नहीं। मतलब मम्मी आपने कभी खाई है क्या ठेगी में जमी हुई दही, आप लोगों ने? मतलब है पहले ठेगी में जमाते थे आपके घर में भी? तो आप लोग बाजार से खरीद के लाते थे या खुद बनाते थे उस लकड़ी का? मैं खुद बनाती थी वो लकड़ी। हाँ। वो लकड़ी से ठेगी सब कुछ। तो फिर बात बताओ मम्मी, आपने क्योंकि ठेगी की दही भी खा रखी है और वो गांव के जो मटके वाले बर्तन होते हैं उसकी भी खाई है, और अब ये स्टील इनकी भी खाई है, तो सबसे अच्छी दही किसकी जमती है? तेरी। यार बताओ ना मम्मी। अर्षित यार, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है यार? अर्षित क्या, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? अर्षित यार, मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है? अर्षित यार, मम्मी से बोलने से क्या पूछ रही है? हम लोग 25-30 साल बाहर रहते रहते हो गया ना। अब बाहर वाली दही है। पर मम्मी कुछ चीजों का स्वाद रहता है ना जीभ में, तो एक वो होता है ना, मतलब कोई अंतर नहीं। अर्षित, आप ठेके की दही खाने के लिए एक्साइटेड है? बहुत। क्यों, इतना एक्साइटेड क्यों है आप दर्शकों को बताना चाहेंगे क्यों आपने ऐसा उल्टा जवाब दे दिया? दोस्तों हर्षित एक इतने अच्छे सुख से वंचित है, सोचो इसने कभी दही का टेस्टी, इसको दही का टेस्टी नहीं पता, इसने कभी दही नहीं चखी है। तो पता है हर्षित तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टेस्ट से वंचित है। ट्रस्ट मी, हैव यू एवर ट्राइड मैंगो योगर्ट, रैसबेरी योगर्ट? फ्लेवर भाई ना अच्छा होता है ना। हाँ, ढक्कन नहीं होता मम्मी, बिना ढक्कन के था। और मैंने एक और चीज सीखी नई, मतलब मुझे नहीं पता था यार कि एक साबुत मिर्ची अगर डाल दो आप, साबुत मिर्ची, तो उससे दही और टेस्टी और बढ़िया जमता है। मिर्ची नहीं है हमारे पास। है? मिर्ची नहीं है। गार्डन में भी नहीं है। उद्घाटन करो अपने शुभ हाथों से, जैसे जमाते हैं तुम्हें पता हो। हाँ, जब घरों में जमाते थे ना। हाँ हाँ, वहाँ जामुन नहीं डालना पड़ता है। अच्छा, घरों में तो कैसे जम जाती है बिना जामुन के? ऐसे जम जाती है। फिर भी मम्मी ऐसे जम जाती है गाँव में? अच्छा, बिना जामुन। क्या बात है, देखिए इसमें इतना सा मम्मी ने जाम, मम्मी जामुन कम डाला यार, थोड़ा आई डालो यार, खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हमने जामुन डाल दिया है और इसमें हल्का सा गुनगुना दूध है। है बोलते ना, दूध को अच्छे से फेंट के डालो ना, गर्म दूध। हाँ हाँ, दही अच्छी जमती है। अच्छा ऐसा है क्या? तो दोस्तों देखिए, ऐसे आप दूध को अगर फेटेंगे, चस्से गर्म को फेटना है, थोड़ा गर्म दूध को मतलब फेटना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे फेटने से मम्मी कह रही दही अच्छी जमती है, तो मैं तो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या बात है। तो ये हम इसमें डालेंगे, इसमें ऊपर से डालेंगे एक मिर्ची, और फिर मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने वैसे दही तो जिंदगी भर खाती आ रही हूँ, ठेके की दही में पहली बार खाऊंगी, तो मैं आपको अंतर बताऊंगी। और ऐसा भी बोलते हैं इसमें, क्योंकि एक लकड़ी है ये, है ना, तो उस दही में लकड़ी का भी अपना एक स्वाद आ जाता है, ठीक है। तो अपना एक स्वाद आता है लकड़ी का, तो फ्लेवर्स भी आते हैं,
तो ये भी एक मस्त चीज है ना कि कैसा उसका स्वाद होगा। तो ये मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। और ये डाल दिया हमने इसमें दूध। अरे वाह क्या है, एक लीटर है ना। हाँ तो तुम खाली दो दो लीटर कर रही थी। वो बाहर से बड़ा दिख रहा है, अंदर से इतना बड़ा नहीं है वो। तो ये एक लीटर का है दोस्तों, आधा लीटर जमा दे। बहुत सुंदर, वाह वाह, अद्भुत अद्भुत नजारा। और दोस्तों एक और चीज, जब आप इसमें कुछ नहीं जमा रहे हैं तो उसको खाली मत रखना, खाली रखोगे क्रैक आ जाएगा, ठीक है इसका ढक्कन। अरे वाह ये इसी के लिए बना था यार, कितना सही आया ना मम्मी, क्या बात। इसको वहां पे रख दो अपने सुंदर हाथों से, उठाओ, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, बर्तन ही छीन यार तू किस बात करन छी तू, इधर तूने इतना तू इधर तू तो सफाई वाली का झगे छी तू इधर, तू इधर साफ सुथरी, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। होगी तेरी तमन्ना पूरी? मेरी तमन्ना पूरी होगी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जो पूछना है वो कल्पना से पूछ ले, इसको पूरा। हाँ और जब इस जब सिपाल है जैसे नहीं जमा रहे हो तब खाली मत छोड़ना, इसमें पानी डाल देना, ठीक है पानी डाल के रख दिया। लेकिन पानी भी ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तक वही पानी डाला है, अगर सपोज एक हफ्ते तक कुछ नहीं जमा रहे तो हर दो दिन में पानी चेंज कर दो। लेकिन पानी, और अगर सपोज जैसे आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हो, एक महीने के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, तो थोड़ा सा राख लो, थोड़ा सा घी लो, ठीक है राख लो और घी लो, और उसके बाद उसको पूरे ऐसे लेप के, मतलब पूरा राख या घी ले लो या राख या सरसों का तेल ले लो, और उसको पूरा अंदर बाहर ऐसे लेप के ऐसे रख के चले जाओ। अरे वाह 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 क्या बात है, क्या बोला आपने सक्कू को, थोड़ा जुराब पहना दिन, लाओ मैं पहनाती हूँ, ला मुझे तो साहब। आप जुराब भी पहनाती हो पापा को, ये कब हुआ? बुढ़ापे में पहनाऊंगी। ओहो हो पहना दो यार मम्मी, यार पहना ही दो यार मम्मी, सही बात है, क्या बात है। आप ये मुझे नहीं पता दोस्तों, ये हमें दिखाने के लिए हो रहा है, दर्शकों को दिखाने के लिए हो रहा है, ये दर्शकों को दिखाने के लिए हो रहा है कि ये एक्चुअल में है। आई हैव नो आइडिया गाइस, मुझे लगता है ये पापा को आज मुझसे प्यार आ रहा है, पापा सोच रहे हैं कल्पना को कंटेंट दिया जाए। हर्षित ये देख, ये सेम चीज अपनी बीवी से कराना, बोला मेरी मम्मी पापा को जूते जुराब पहनाती थी, तू भी मेरे को पहना, इतना प्यार मम्मी, क्या बात है इतना प्यार, वाह 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 वाह। पापा आप हम आप मैं जानना चाहूंगी कि क्यों मेरी दासी है। पापा बताना चाहेंगे कि आप मम्मी से क्यों सौगंध खा रही हो? कुकुर है बोले कहते हैं सर क्या बात है, मैंने बोला मैं से छोटी है, बोला नहीं हूँ मैं छोटी, मेरे से 7 साल छोटी नहीं है तू, बराबर कैसे हो सकती है भाई, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है ये बोल, लेकिन उम्र में तू मेरे से छोटी है ना, उम्र में तू मेरे से छोटी है ना, छोटी है इस धरती में, मेरे से बाद में आई कि नहीं आई इस दुनिया में, धरती में बाद में आई ना मेरे से, तो मैं सीनियर हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है, मैं सीनियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डैडू चले गए ऑफिस, चलता हूँ मैं, ओके बाय। और अब हम जान सकते हैं ना बंठन के आप कहाँ जा रहे हैं? हमेशा अपने आप को खुश रखो, अपने आप से प्यार करो, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करो, क्या बात है। और उसके बाद अपने परिवार से प्यार करो, उसके बाद दूसरों की बीवी से प्यार करो, परिवार से प्यार करो, और उसके बाद दूसरों के परिवार से प्यार करो, सबसे प्यार करो। तू वही बात, खाना नहीं खा रहा है, नमकीन खा रहा है बैठ के। हाय गाइस, तो अभी मैं मार्केट में थोड़ा सा काम से आई थी, तो मैं एक हॉस्पिटल में बैठी थी कुछ चेकअप कराने के लिए। तो यहाँ पे आज मेरा एक नया फ्रेंड बना है, आप मेरे फ्रेंड हो ना? हाँ। आपका नाम क्या है? दक्ष। दक्ष जोशी। तो अभी मैं और दक्ष ने गेम खेल रहे थे, ठीक है हम क्या गेम खेल रहे थे बताओ? लड़ाई और पंजा लड़ाने वाला। हाँ तो अभी लड़ाई में आप क्या हो? मैं पावरफुल हूँ। आप सुपरमैन? और मैं हूँ स्पाइडरमैन। ठीक है तो अभी सुपरमैन और स्पाइडरमैन में जंग होने वाली है गाइस, चलो वहाँ खड़े हो जाओ तुम, चलो मैं हूँ स्पाइडरमैन, ठीक है तुम हो सुपरमैन। स्पाइडरमैन मेरे को बचाओ, स्पाइडरमैन हमला करो, सुपरमैन को हमला करो, मैं तुम्हें इस दुनिया में राज नहीं करने दूंगी। स्पाइडरमैन आक्रमण, बैटमैन मेरी मदद करो, बैटमैन मेरी मदद करो, बैटमैन मेरी मदद करेगा, बैटमैन मेरी मदद करेगा, कोई नहीं कर लो हमला, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ नहीं होता,
अरे इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा यार, कुछ 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 हुआ हुआ हुआ। रो पेपर सीजर शूट। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। चलो बन गया वीडियो। ओके बाय कर दो। बाय।